सो हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल सो आज मैं आ गया हूँ एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ जो कि बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट सब्जेक्ट है सो so, इसमें भी सेक्शन ए है सेक्शन बी है और सेक्शन सी है तो सबसे पहले इज्जत के साथ सेक्शन सी में चलते हैं सेक्शन सी बड़े क्वेश्चन में होते हैं उसमें जो मार्क्स होते हैं वो ज़्यादा कवर होते हैं बी और सी में उसके बाद ए तो सेक्शन सी का क्वेश्चन देख लो What is a gel? Discuss the method for the evaluation of semi solid doses form. F. Hai, how many different types of suppository bases are there? Discuss the different methods for the evaluation of suppositories. And E. Hai, write a short note on gargles, mouthwash, and throat paints with an example formula of each. And D. hai Discuss the proper example effervescent, efflorescent, and hygroscopic powder. एंड सी में है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेवेंटी फाइव परसेंट सिक्सटी फाइव परसेंट और फोर्टी फाइव परसेंट एंड थर्टी फाइव परसेंट एल्कोहल शुड बी मिक्स टू गेट फिफ्टी फाइव परसेंट एल्कोहल यूजिंग एलिगेशन मेथड एंड बी में है पोसोलॉजी डिस्कस करना है और उसके बारे में अरेस्ट लिखना है आपको राइट right और उसके बाद ए में है प्रेस्क्रिप्शन और उसके पूरे एग्जाम्पल के साथ सो so, इसके जो ये जो सेक्शन सी है थोड़े से टफ आए हुए हैं पिछले साल बाकी इसके जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं यानी जो फार्मेसी का जो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं वो फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में कवर होता है जैसे सीरप क्या होता है टैबलेट क्या होता है लिग्ज़र क्या होता है ये सारी चीज़ें सो डोजेस फॉर्म मैं लिंक दे दूंगा डोजेज़ फॉर्म के बारे में भी और प्रिस्क्रिप्शन के बारे में भी तो मैंने इस टॉपिक पे जितने भी इस सब्जेक्ट के जितने भी मैंने टॉपिक्स को बनाया है कवर किया है उस सब के लिंक दे, दे देंगे इसके अलावा इसमें फार्माकोपिया पढ़ते हैं जिसके आधार पे फार्मेसी पूरी चलती है मेडिसिन बनाई जाती है प्रेस्क्रिप्शन चलते हैं वाट इज़ फार्मेसी ये सारी यानी जनरल फार्मेसी जितनी भी हैं ये सारी फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में कवर होती हैं एंड इसके बाद का जो है वो है सेक्शन बी में जिसमें आपको डिस्कस द मेकनिज़म एंड फैक्ट्री इन्फ्लुएंसिंग डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग एंड बी में है वॉट इज डिफाइन इमलशन एंड डिस्कस देयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टेबिलिटी प्रॉब्लम एंड मेथड्स टू ओवरकम दोज प्रॉब्लम एंड ए में है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सॉरी डिटेल नोट्स ऑन हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया ये क्वेश्चन पूछता है लेकिन इस इसके जो क्वेश्चन हैं मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए हैं uh, जब मेरे टाइम पे इसमें जो क्वेश्चन थे काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे ये क्वेश्चन थोड़े टफ हैं सो so, उसी दूसरे क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस करेंगे बाकी आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अगर क्वेश्चन बैंक आती होंगी उसकी जो गाइड होंगी जैसे ए के टी यू में टी से टी पी चलती है ठाकुर पब्लिकेशन की बुक तो उसकी जो क्वेश्चन बैंक आती है तो उसके क्वेश्चन को आप ज़रूर रिकमेंड करना और सेक्शन ए में है प्रेस्क्रिप्शन और इंडियन फार्माकोपिया कब पब्लिश हुआ इन विच ईयर डज द अच्छा यानी जो रिसेंट एडिशन है इंडियन फार्माकोपिया का उसका पूछा गया है उसमें कितने वॉल्यूम है फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया ये मैंने कवर किया हुआ है सो फादर ऑफ़ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया महादेवा लाल श्रॉफ बी एच यू से पढ़े थे एंड डी मेहर बेनर सोल्यूशन कैन बी टर्मड एज एजो एसोटोनिक एसोटोनिक सोल्यूशन कब होगा उसका आंसर देना है और उसके बाद ई में है नेम वन एंटी माइक्रोवियल एंटी ऑक्सीडेंट यूज इन लिक्विड फॉर्म एंड उसके बाद है वॉट डू यू मीन बाई द टर्म सेल्फ प्रिजर्विंग गिव द एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ प्रिजर्विंग डोजेज फॉर्म एंड सस्पेंशन विद एन एग्जाम्पल एंड विद्जाम्पल और वॉट इज अ थेरापटिक इनकम्पेटिबिलिटी एंड गिव द एग्जाम्पल ऑफ टू अंडमेंट बेस So, ये थे सेक्शन ए के क्वेश्चन पेपर थोड़े टफ हैं पेपर ही थोड़ा टफ है लेकिन जो बेसिस क्वेश्चन है इसमें से रिमूव किया गया है बाकी क्वेश्चन है एक्सेप्ट करना है उसके बाद ये कॉलेज लेवल पे जो क्वेश्चन पेपर होते हैं जो एग्जाम होते हैं सेशनल मिड सेम उसका क्वेश्चन पेपर है जिसमें सेक्शन ए में आपका फार्माकोपिया पूछा गया एलिग्जर क्या होता है व्हाट डू मीन बाय द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू व्हाट इज द एलिगेशन मेथड एंड उसके बाद है राइट द डिफरेंस बिटवीन फ्लॉकुलेटेड एंड डीप फ्लॉकुलेट सस्पेंशन बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है ये आता ही आता है एंड एफरवेसेंट और एफ्लोरेसेंट के बीच का डिफरेंस कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बॉडी वेट ठीक है पोसोलॉजी का पार्ट है एंड डिफाइंड एलेक्ट्रिक मिक्सचर एंड उसके बाद है नेम टू इवालुएशन पैरामीटर ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म एंड राइट द स्कोप ऑफ फार्मेसी उसके बाद सेक्शन बी में है

नोट ऑफ सॉलिबिलिटी सी के लॉन्ग क्वेश्चन उसमें लिक्विड फॉर्म पूछा गया बोसोलॉजी पूछा गया और सेमी सॉलिड डोजे फॉर्म पूछा गया सो so ये पेपर है जो कि कॉलेज लेवल पे होता है मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं उसके बाद एक दूसरे सेशन एग्जामिनेशन के पेपर हैं जिसमें सेक्शन वन में दो नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है एफरवेसेंट पाउडर क्या होता है एफरवेसेंट पाउडर क्या पूछा गया है जैसे डिफरेंस पूछा गया था मिक्सचर क्या है एडियोटिक मिक्सचर ये भी पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू एलिगेशन मेथड सो ये क्वेश्चन पूछे गए जा चुके हैं सो so, उसके बाद सेक्शन टू में है डिफाइन द एक्सीपिय यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म तो लिक्विड डोजेज फॉर्म को आप पूरा पढ़ना उसके बारे में ये भी आपका भी कवर हो जाएगा सपोजिटरी उसके बाद है सपोज एट्री पढ़ोगे तो मैथ ऑफ प्रिपरेशन भी पढ़ना ही पड़ेगा उसके बाद सेक्शन थ्री में है डिफाइन द टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ इमल्शन इमल्शन पूरा पढ़ना सो so, ये था कॉलेज डबल पे एक सेकेंड सेशनल एग्जामिनेशन का पेपर